मौज कर रखी है आपने तो। मौज कर रखी है, 1 लाख भर के ला ऐसा क्या। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे हो और हम भी भाई मौज में, फुल मौज में, कोई दिक्कत ना। तो आज आपके सामने आई है टाटा टियागो सीएनजी भाई, टॉप मॉडल, टॉप मॉडल। तो अपने भाई लेके आए, आ जाओ भाई सामने आ जाओ। तो भाई आप भी आ जाओ, आप दूर क्यों खड़े हो। सबसे पहले तो ये बताओ भाई कैसे हो, मजा आ रहे हैं। और भाई कहाँ से आए हो। नू से आए हो। तो भाई टाटा शायद टेम्परेरी नंबर प्लेट, मतलब कितने दिन हुए। तीन दिन ही हुए। अच्छा जी, तो मुझे मॉडल बताओ कौन सा टॉप मॉडल। XZ प्लस। अच्छा CNG वाला है जो मतलब आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है, वो सीन है इसका है। अच्छा CNG दिखाना भाई, कैसे कैसे क्या सीन है इसका, तभी बातें करेंगे। पहले एक बार चीज को देख ले, फिर भाई आज आपको टाटा टियागो XZ प्लस CNG वाला सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पंद्रह किलो वेट है। अच्छा जी, तो भाई कितने चला दी गाड़ी। 500 किलोमीटर चल रही। 500 किलोमीटर कितनी बार भरवा ली है। दो बार भरवाई थी अभी सोनक पास। चौथी बार। हाँ। तो इसका मतलब एवरेज, तो एवरेज मैंने कल निकाल के देखी थी, ये दे रही है फिलहाल 22 की एवरेज दे रही है। हाँ, CNG में। अच्छा जी। हाँ। और भाई ऐसे बोलते 30+ एवरेज है, अभी नहीं अब पता नहीं, हमें तो पहली बार लिया ये CNG में तो। ना फिर भी जैसे थोड़ा बहुत कुछ अंदाजा आ गया, इतने की दे देगी 30+ एवरेज। नहीं देगी इतने तो, ना देगी है ना। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, CNG गाड़ी जब भी लेनी, वैगनार वगैरह पे, सिलेरियो पे, इन पे क्यों नहीं गए। सिलेरियो आ जाओ, सामने आ जाओ। सिलेरियो की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, वैगनार अच्छी लगती नहीं है। वैगनार वैसे सुनो डिब्बा सी लगे है। डिब्बा सी लगे है। हाँ बोलो बोलो। सिलेरियो है। हाँ। 790 की सिलेरियो CNG फिटेड। हे भगवान, अब लोग भी वैसे आ रहा है जैसे। हाँ ऊपर। हाँ हाँ हाँ। अब मन की टाटा चले जाए, इसमें सब दिए हैं फीचर सारे। CNG की डिजायर भी चला के देख लिया हमने, वो आफ्टर मार्केट लगवाई थी, 1 साल चलाई थी। हाँ। वो भी 45,000 चला के। अच्छा, इससे पहले i20 थी। हाँ। वो 7 महीने चलाई थी पेट्रोल। हाँ। में। हाँ। वो भी एक दिन अभी आ गई, अब वरना आने वाले कुछ दिनों में। फिर वरना में CNG लगवाओगे, डीजल लोगे। डीजल। अच्छा जी, चलो फिर वरना भी देखते हैं। तो भाई अलॉय व्हील है क्या, फिर व्हील कब दे रखे हैं टाटा वालों ने भाई, ये क्या सीन है। कितने लाख की बताइए आपने, 8 लाख 830 की गाड़ी और व्हील कप दे रखे। पर यार व्हील कप ये वैसे नहीं लग रहे, व्हील कप अलॉय व्हील से लग रहे है ना, दूर से देख रहे तो भाई अलॉय व्हील से लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई 830 पे आपको ऑन रोड पड़ गई गाड़ी। अच्छा, तो कुछ बुकिंग वगैरह का क्या सीन चल रहा है इसका। बुकिंग वगैरह का यही सीन है भाई, 1 महीने मिली थी, 1 तारीख को बुक की थी, 1 फरवरी को, और ये मिली हमें 23 फरवरी में। अच्छा, तो बुकिंग चल रही है, मतलब जो सुनने में आ रहा है वो सच बात है। मॉडल नहीं मिला जो लेना चाह रहे थे। कौन सा मॉडल लेना चाह रहे थे। हम लेना चाह रहे थे XT। XT बीच वाला मॉडल। उसमें और इसमें क्या फर्क है भाई। उसमें और इसमें एप्पल कार प्ले वगैरह, म्यूजिक सिस्टम एंड्रॉइड वाला आ जाता है। हाँ। और हेडलाइट। अच्छा, और ये व्हील कप ये वाले नहीं आते और चेंज हो जाते हैं। तो कितनी महंगी पड़ी है आपको, मतलब 70,000 रुपए, उससे ये बेटर है। आप 70,000 रुपए में, 70,000 रुपए दे के आप इसे मिल गए, खुश हो इसमें। हाँ खुश है, 70,000 दे के उस मॉडल से खुश है भाई। उस मॉडल से खुश हो है। हाँ। फिर भैया आप बाहर से काम छिड़वाते हैं, बाहर से छिड़वाते उसको। हाँ, लग रहा आप माँ घर या मैं डलवा लिया भाई। कितने इंच के लो व्हील है, मतलब टायर वगैरह का। 15 इंच होंगे। 14 इंच है और 14 है। तो भाई इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में क्या कहोगे, कहीं मतलब टिकी टिक जाती है क्या सीन है। अभी तक नहीं टिकी। क्या अंदाजा है। नहीं, जब डिजायर ही चला ले एक बार, इसको क्यों टिकने देंगे CNG की। अच्छा। हाँ। तो भाई इंटीरियर तो बड़ा प्यारा लग रहा है, आ जाओ अंदर आ जाओ बैठो। इंटीरियर तो भाई गाड़ी का बहुत प्यारा लग रहा है। फिनिशिंग में दिक्कत दे भाई। फिनिशिंग अच्छी नहीं टाटा वालों की। कैसे देखो, और उधर देखो, एक उंगली नहीं जाएगी। ये क्या बताने। हाँ ये देखो भाई, ठीक है टाटा। और ये देख लो, आप ही देख लो ना यार, पूरा आ जा रहा भाई। अच्छा जी। और भाई इसके स्पीकर्स की कहते हैं बहुत अच्छे स्पीकर हैं। बहुत अच्छे हैं भाई, इस सेगमेंट में सबसे अच्छे स्पीकर लगे हमें तो इसके। हमने डिजायर चला ली, i20 चला ली, वरना भी रख ली, उससे भी अच्छे स्पीकर हैं। स्पीकर तो हारमन के भाई कहते हैं कि अच्छे स्पीकर, तो मतलब
है कुछ है। अच्छा। मतलब इस सेगमेंट में अच्छा, बहुत अच्छा। एंशियस सॉन्ग चला। तो भाई गाने सुनो पहले, तब स्पीकर क्वालिटी। है भाई अच्छा। बस बस रोक दो, आगे समझ में, इतना ही काफी है। तो भाई एक बात बताओ, इसमें मैंने बहुत सुना कि अटकता है थोड़ा, ऐसा है कुछ? देखो अभी 3 दिन हुए, अभी तो कुछ नहीं कह सकता मैं इसके बारे में, अटकता नहीं अटकता, मतलब फिर भी सही टच, फिर सही, भी चल... सही चल रहा है, सही है, मतलब इतना कोई वो ना है। इतने रुपए में तो भाई कुछ इस तरह का आपको स्पीडो और ओडोमीटर मिल जाता है इसमें डिजिटल, ये देखो, तो सही है। फाइनली क्या कहना चाहोगे टियागो के बारे में, किसी को सजेस्ट करोगे कि भाई ये गाड़ी स्विफ्ट वैगनार 8 लाख तक की जितनी भी गाड़ियां हैं भाई, जिसको सीएनजी में लेनी है उसके लिए बेटर है। एक दो लाख ना देखे हमने, सीएनजी में लेनी उसके लिए बेटर है। सीएनजी से पेट्रोल में जाओगे तो स्विफ्ट बेस्ट लगती है। स्विफ्ट बेस्ट रहेंगे, पेट्रोल में चलाइए गाड़ी, पेट्रोल में चलाइए गाड़ी। हाँ चला देखिए, कुछ फर्क पेट्रोल और सीएनजी पिकअप में? बेमालूम फर्क है ना, पता ही नहीं चलता। ये बात तो, आजकल की गाड़ी में भाई फीचर इतने सारे, मतलब वो दे देते हैं कि पता ही नहीं लगते सीएनजी पे गाड़ी पेट्रोल पे कैसे क्या नहीं है, तो सही है भाई कुल मिला के गाड़ी। ऑटोमेटिक दे रखी है ऐसी कंट्रोल, लेकिन वैसे ये चीज खटकते हैं। मैं देखना अब इसको, देखो कितनी हल्की क्वालिटी है इसकी भाई, 8 लाख की क्वालिटी भाई, कुछ ना कुछ तो कमी छोड़ेगी। और क्या कमी लगी आपको मॉडल में? तो ना छोड़नी, टॉप मॉडल में कमी ना छोड़नी थी भाई, ये सही है। 30 दिए हाँ, ये बात तो 8-30 दिए, कोई हल्की रकम ना है, इतने में तो ब्रेजा का बेस मॉडल आ जाए। और इसको खड़ी करोगे और ब्रेजा को खड़ी करोगे, लोग ब्रेजा को देखना पसंद करेंगे। साइज के हिसाब से छोटी है, जैसे 8.5 लाख की गाड़ी छोटी है, आपको पता होगा, बहुत छोटी गाड़ी। स्विफ्ट भी टक्कर दे जावे 6-6.5 लाख, मगर स्विफ्ट का भी बेस मॉडल ले ले हम, अच्छी लगती है देखने में, अच्छी लगती है, लेकिन हमें तो ये सीएनजी में लेनी। पर भाई मजबूत गाड़ी है, एक बात देखी जा रहा था, देख खिड़की भारी है, खिड़की बहुत भारी है भाई, टाटा लोहा दे रही है, टाटा और महिंद्रा ही लोहा दे रही है कुल मिला के। मैं बताऊँ आप हुंडई की गाड़ी तो ले रहे हो, लेकिन भाई इसमें ब्रेकिंग नहीं है, पहले बता रहा हूँ, वरना वगैरह में क्रेटा वगैरह में ना ब्रेक अच्छी नहीं है, क्रेटा से अच्छी है, वरना रख के देख ली भाई। कौन से वाली रखी है? एस मॉडल था 2019 में, 2019 अच्छा, पेट्रोल फिर वरना पे क्यों आ रहे हो? डीजल लेनी। वाह तुम भी कमाल यार उस्ताद भाई, सुन 20 लाख की गाड़ी कोई सी लिया और वरना लिया मैं डार्क रेस करूंगा, कोई भी आ जाए। आज थार रहेगी हमारी, ट्रेस तो ना करें हम, लेकिन टक ऑफ मार करेंगे। हैं 20 लाख की गाड़ी कोई सी हो, अब आप भी जानते हो इस चीज को ना भाई, यू बात तो है, वरना मैं चीज चाहिए लग्जरी चाहिए, मैं लग्जरी और यही चीज चाहिए। अच्छा जी, फिर दो दो गाड़ी एकदम मार रहे हो बिल्कुल है, खान साहब मौज कर रहा क्या आपने? तो मौज कर रहा थी, 1 लाख भर के ला ऐसा क्या ऐसा क्या कर रहे हो खान साहब, क्या करके मानोगे? 1 लाख में क्या जा रहा है? ना ठीक है, इस बारे में ठीक नहीं, ले जाए वही सही है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। और थार के बारे में दो शब्द कुछ कहना चाहोगे? फिर कब ला रहे हो थार भाई? दुआ करो जल्दी लाए। 1 लाख यहाँ भर कर लिया सारे की स्कॉर्पियो का मन है, स्कॉर्पियो सोच रहा है फिर एक बार ना, एक स्कॉर्पियो अप्रैल मारी नई वाली स्कॉर्पियो, सनरूफ मूनरूफ सब चीज है भाई, इसीलिए रुके हुए हैं भाई, स्कॉर्पियो आने वाली है नई हाँ, लेकिन फिलहाल वरना आने वाली है हमारी। चलो भाई बहुत बढ़िया, टियागो के साथ मजे लो, आपके बातें करके अच्छा लगा, आपकी गाड़ी भी बड़ी अच्छी लगी और कलर भी बड़ा प्यारा लगा। इसमें बताओ 8.5 लाख रुपए में येलो लाइट है, हेलोजन दे रखे हैं प्रोजेक्टर में भाई, ये तो इनका कलेश है, वो तो 16 लाख में हेलोजन है ये मैं इधर आ रही है, टाटा वाले ऐसे ही रहेंगे सब। भाई सुनो थोड़ी भाई की भी ऐसा मत करो, धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो इतनी ही थी, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।